नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में नई पद्धति से टीबी की बीमारी के उपचार का विधिवत उद्घाटन। 2024 तक प्रदेश को क्षय रोग मुक्त करने का सरकार का लक्ष्य। योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात रही सकारात्मक। अलकनंदा होटल पर केंद्र सरकार के आदेश के अनुपालन पर बनी सहमति। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर अंतिम फैसला शीघ्र। 5 दिवसीय नैनीताल दौरे पर राज्यपाल डॉ. के पॉल। नैनी झील के गिरते जलस्तर पर जताई चिंता। कहा झील का संरक्षण बेहद जरूरी। और वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से किया सीधा संवाद। सड़क, पेयजल, संचार, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर की चर्चा। राज्य हित में दिए गए सुझावों को भी लिया गंभीरता के साथ। और अब खबरें विस्तार से। नई पद्धति से टीबी की बीमारी के उपचार का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश भर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। इसके तहत जहां मरीजों को रोजाना दवाएं खानी होंगी, वहीं नई दवाएं पहले के मुकाबले ज्यादा असरदार भी हैं। भारत सरकार का धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2025 तक देश को क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए पहले से ज्यादा बेहतर दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जहां मरीज हफ्ते में 3 ही दिन दवाई लेता था, वहीं अब मरीज नई दवाओं को प्रतिदिन ले सकता है। वहीं सरकार ने प्रदेश भर के अस्पतालों में नई और ज्यादा असरदार दवाओं को पहुंचा दिया है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक मिशन बनाया है क्षय रोग के निवारण को, कि 2025 तक हम भारत को इससे मुक्त करेंगे। और उसके लिए केवल ये योजना नहीं दी है, बल्कि उसके लिए तरीके भी अपनाए हैं। जो सप्ताह में पहले 3 दिन औषधियां दी जाती थी, अब उसको रेगुलर किया है, यानी कि प्रतिदिन अब जो क्षय रोग के हमारे पेशेंट्स हैं उनको प्रतिदिन औषधि मिलेगी। और उसके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक अस्पताल तक उत्तराखंड में भी दवाइयां पहुंचा दी गई हैं। और मैंने 2025 का लक्ष्य जो भारत सरकार ने रखा है, मैंने कहा उत्तराखंड तो छोटा राज्य है, हमारा प्लानिंग इस ढंग से होनी चाहिए कि हम 2024 तक ही इसको पूरा कर लें। आज जो हमारा शुभारंभ हुआ है टीबी की नई सुबह के प्रोग्राम में, ये डेली रिजीम का आरंभ किया गया है। अभी तक हम मरीजों को सप्ताह में 3 दिन दे रहे थे टीबी की दवाएं, और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल थे और जो थे वो प्रतिदिन देते थे टीबी की दवाएं। तो इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई कि अब सरकारी चिकित्सालयों, जो हमारे डॉट सेंटर्स हैं, उसमें भी प्रतिदिन ये दवाई दी जाएगी। लेकिन ये प्रतिदिन दवा दी जाएगी वो डॉट के माध्यम से दी जाएगी। डॉट के माध्यम का मतलब ये है कि वो आशा कार्यकर्ती या जो भी उसका परिवार वाला है वो अपने सामने खिलाएगा। तो आपने देखा आज कार्यक्रम में कि किन्हीं मरीजों को 3 दवाएं दी गई, किन्हीं को 4 दी गई। तो ये मरीज के जटिलताओं को देखते हुए, मरीज के वेट को देखते हुए कराई जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको ये खाने में बड़ी तकलीफ होती है, तो उनके लिए उन्होंने फ्रूट के फ्लेवर वाली दवाएं बनाई है जिससे उसको खाने में आसानी हो। क्योंकि इसके साथ ही जहां केंद्र सरकार देश भर में रोग से मुक्ति के लिए 2025 तक का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं राज्य सरकार ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2024 तक का समय निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार के अलकनंदा होटल पर उत्तराखंड के तर्क से सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इस संबंध में भारत सरकार के आदेश का अनुपालन करें। अलकनंदा होटल पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से अनावश्यक देरी होने पर अप्रसन्नता भी व्यक्त की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये भी सहमति बनी कि जल्द ही मुख्य सचिव स्तर पर एक बैठक कर परिसंपत्तियों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश
और उत्तराखंड दोनों जो राज्य हैं, अभी 17 साल पहले उत्तराखंड अलग हुआ, अलग राज्य बना, और जो परिसंपत्तियों से संबंधित मसले हैं उन पर भी अनऑफिशियल कहिए चर्चा हुई है, क्योंकि कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा वातावरण है। और ये बहुत अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी भी स्पष्ट सोच है कि समस्याओं को लटकाना नहीं चाहिए, कोई भी समस्या है तो उसका निवारण होना चाहिए। और हमने भी, हमारी भी बड़ी स्पष्ट सोच है कि जो कुछ भी है ये ज़्यादा दिन तक लटकना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, देखिए कावेरी नदी का विवाद था दो राज्यों में, अटल जी के समय में उसका निवारण हो गया, तो हम निवारण करने में विश्वास करते हैं, लिंगरोन करने में विश्वास नहीं करते हैं। बैठक में उत्तराखंड द्वारा रखे गए सभी तर्कों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक रुख दिखाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच लखनऊ में बीती शाम मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बारे में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर आश्वासन दिया है। वहीं चीन से सटी सीमा पर तैनात जवानों की फोन कॉल दरों में भी की गई कटौती और सीमांत क्षेत्रों में गाड़ियां भिजवाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का धन्यवाद दिया है। फिर भी जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि वो बजट आएगा, अच्छा बजट इस बार रखा है भारत सरकार ने, तो उसका लाभ निश्चित रूप से उत्तराखंड को भी मिलेगा। और जो हमारे, विशेषकर जो हमारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स को लेकर के वहाँ पर यातायात सुगम हो, वहाँ पर जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए गृहमंत्री जी पहले ही काम कर चुके हैं कि पहले वहाँ पर 6 रुपये पर मिनट उनको एक कॉल का खर्चा आता था, और जब हम और गृहमंत्री जी सीमांत क्षेत्रों में गए थे उस दिन उन्होंने वहाँ पर घोषणा किया था, और आज जैसे सामान्य कॉल है उसी दाम पर वहाँ पर मिल रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने स्नो स्कूटर्स भेजे हैं, और जो सीमांत क्षेत्र लवथल है हमारा, ये जो रिमखिम है वहाँ पर गाड़ियाँ भी उनको वहाँ पर ड्रॉपिंग किया वहाँ पर। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड दौरे पर आए गृह मंत्री ने इन सब बातों की घोषणा की थी जो अब पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल डॉक्टर के पॉल 5 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं नैनी झील के गिरते जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नैनी झील ही यहाँ की सुंदरता को बढ़ाती है, जिसके लिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। 28 नवंबर को देहरादून में विश्व बैंक के साथ सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झील के संरक्षण के लिए चर्चा की जाएगी। नैनीताल लेक के बारे में पिछली कुछ महीनों से काफ़ी एंग्जाइटी रही, और इस साल अच्छी बारिश हुई, उससे लेक में पानी तो आ गया, लेकिन जो बेसिक नैनीताल लेक के बारे में चीज़ें हैं वो उनको समय समय पर रिव्यू करने की आवश्यकता है। 28 तारीख को एक देहरादून में सेमिनार होने जा रहा है, जो जिसमें वर्ल्ड बैंक के कुछ एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं। ये सेमिनार राजभवन में होगा और इसमें नैनीताल लेक के बारे में चर्चा होगी, तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ रिव्यू करनी हैं। और दूसरा जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसका एक दीक्षांत समारोह है 14 तारीख को, तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए मैं यहाँ पे। इसके साथ ही राज्यपाल 14 नवंबर को हल्द्वानी में ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बंद होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद का इलाज के अभाव में नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर सारा खर्चा सरकार खुद वहन करेगी। वहीं उन्होंने बीमा कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में मुझे कहना है कि जिस कंपनी को ये काम दिया गया था उसको नवंबर लास्ट तक के लिए उसको ये काम करना था, और इसलिए पहली बात तो जिस कंपनी ने राज्य के गरीबों के साथ धोखा किया है हम उसके लिए कुछ ना कुछ दवा ढूंढेंगे ना उसके लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इलाज करिए, जो भी मरीजों का खर्चा इस बीच में आएगा
वो राज्य सरकार उठाएगी, और अगर इसमें कोई अधिकारी दोषी है तो उसके लिए भी दवा ढूंढेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों स्वास्थ्य बीमा योजना के बंद होने के कारण कथित रूप से इलाज न मिलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आज देहरादून में सोशल मीडिया के जरिए 2 घंटे तक सीधे जनसंवाद कर लोगों की जनसमस्याएं सुनी। ज्यादातर समस्याएं सड़क, पेयजल, संचार, शिक्षा और बेरोजगारी से जुड़ी रहीं। श्री पंत ने बताया कि लगभग 750 से अधिक जनसमस्याओं का संज्ञान लिया गया। इस दौरान कई लोगों ने राज्य हित में विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव भी दिए, जिन्हें वित्त मंत्री ने गंभीरता से लिया। समस्याओं से जुड़े हुए विषय, नीतियों से जुड़े हुए विषय, और उसके साथ साथ ठोस रणनीति के तहत हम किस तरह से इस राज्य को ऊंचाइयों तक ले जा सकें, इस विषय पर अपना मार्गदर्शन हमको प्रदान करते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रयास अंजाम दिया गया, और विशेष तौर पर युवा साथियों का जो इसमें सहयोग रहा है, जो सीधा संवाद में उनका सहयोग रहा है, वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत अनुकरणीय है। आपके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। मैं 2 घंटा लगभग आपके बीच बैठा, और अपने कई महत्वपूर्ण और शासकीय कार्य होते हैं, उसके बावजूद भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नियमित रूप से आपको पूर्व सूचना के आधार पर सीधा संवाद आपसे करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह का जनसंवाद कार्यक्रम नियमित रूप से करने के लिए तैयारी की जा रही है। आम लोगों और व्यापारियों की तकलीफ दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने 28% वाले टैक्स स्लैब में अब केवल 50 वस्तुओं को ही रखा है। इसी पर अधिक जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि 178 वस्तुओं को 18% के स्लैब में डालने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को अब 18% जीएसटी की दर की बजाय केवल 5% जीएसटी देना होगा। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत के आधार पर संचालित होने वाली प्रक्रिया है, और ये पहला अवसर है जब पूरा भारत एक कर के प्रणाली के अंतर्गत आ गया। 17 तरह के टैक्स समाप्त हुए। इन टैक्सों के आधार पर जो उपभोक्ताओं पर आरोपित होने वाले टैक्स हैं, उन पर संशोधन किया गया। विशेष तौर पर जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ 28% टैक्स का स्लैब है, उस स्लैब को में से 177 प्रोडक्ट को बाहर कर दिया गया है। जो नीचे के स्लैबों में आए हैं 18%, 12%, 5% और 0%, इन सभी स्लैब में आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उसका सीधा ताल्लुक आम उपभोक्ताओं से है। ये बात ठीक है कि इसकी वजह से राजस्व की हानि तो होगी होगी, लेकिन उसके साथ साथ तो उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, और अल्टीमेट लक्ष्य तो भारत सरकार का आम उपभोक्ता को लाभ देने का ही है। लेकिन हमारा प्रयास यह भी है कि जो हमारे पंजीकृत व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी कहीं कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस उद्देश्य को लेकर के हमने उनकी रिटर्न फाइलिंग को भी 3 महीने का उसका समय वृद्धि की है, ताकि वो 3 महीने में अपनी रिटर्न फाइलिंग करें। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी और व्यापार को भी अच्छे राहत मिलेगी। दुकानदार के लिए फायदा है इसमें, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक माल खरीदने में, क्योंकि हमने अपना जीएसटी नंबर ले रखा है जी, और उससे सही माल आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है, ये स्टेप बहुत ही अच्छा लिया गया है, बहुत फ़ायदा हुआ है। आज संडे हम बहुत सारी शॉपिंग भी कर आए हैं, पर और उन लोगों को बहुत फ़ायदा है जो आजकल होटल्स में रुक रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन से आके। जैसे हम देहरादून में हैं, तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी से काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो यहाँ पर रुक रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चंपावत जिले के टनकपुर रेलवे स्टेशन को जल्द रेलवे लाइन विस्तार की सौगात मिलने वाली है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने बड़ी लाइन के लिए हो रहे निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ब्रॉडगेज का इस निर्माण 1 माह के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। काफ़ी काम की प्रगति हो चुकी है, छोटे मोटे काम अभी बाकी हैं इनके। जैसा कि मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफिसर्स ने बताया है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले महीने तक इनका जो सीआरएस को
जो इंस्पेक्शन करना है उसकी कॉल ये लोग दे देंगे, तो होपफुली अगले महीने तक सीआरएस इंस्पेक्शन हम उम्मीद करते हैं कि शायद हो जाए। और अभी इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।